चलिए सब लोग को गुड इवनिंग। आइए स्क्रीन पर आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वह हो गया √2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, 0। अब एक टर्म को राइट साइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1/x स्क्वायर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का पावर 4 इज इक्वल टू हो गया -1। अब इसी को यहां पर रख देते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, 4 से कटने वाला नंबर यहां पर लाते हैं, 4 से डिवाइड होने वाला, तो इसको लिखते हैं x का पावर 1 × x का पावर 20 +1/x × x का पावर 20। अब जो 4 से कटने वाला नंबर है तो उसका रिजल्ट आपको -1 है, तो यहां पर हो जाएगा x × -1 + 1/x × -1। माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो यह हो जाएगा x + 1/x, और आंसर हो जाएगा, इसका मान पहले ही दिया गया है √2, और आपका आंसर। हम पहले क्या करते हैं कि इसका x² + x का मान निकालते हैं, तो इसको राइट साइड ले जाएगा तो यह हो जाएगा आपको -1, और अब इसको लाते हैं यहां पर ये टर्म को, इसमें से भी इसी तरह का फॉर्मेट निकालते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट लाने के लिए यहां पर x³ आप कॉमन ले सकते हैं, यह हो जाएगा x² + x + 1, और अब हो गया x³, और इसका मान अभी निकाले हैं -1 + 1। अब इसका रिजल्ट आ गया x³, इसका रिजल्ट तो माइनस हो गया, तो यह हो गया 1 - x³। अब इसको आप 1q भी कह सकते हैं। तो अब aq - bq के फॉर्मूला पर तोड़िए, तो a - b × a² + ab + b², और यह हो गया आपको 1 - x × इसका मान क्वेश्चन में दिया गया 0, और आंसर हो गया आपको 0। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं x² + 1 = -x, x² + x + 1 = 0, इसको इधर लाइए। चलिए अब इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, तो a² + ab + b² का फॉर्मूला क्या होता है, aq - bq, aq - bq, b का मान 1 है, बटा a - b, यानी x - 1 = 0। यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा x³ - 1 = 0, यानी x³ = 1। एक ऐसा हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए इसके बाद अब इसमें अब इसका हम मान बैठाते हैं। अब हमको मान निकालना है x³ + 1/x³। इसको हम तोड़ देते हैं ऐसे, x² × या 3 से कटने वाला नंबर है तो इसको x³ = 36 लिख देते हैं। उसी तरह इसको भी तोड़ देते हैं। अब x³ = 36, तो यहां जो 3 से कटने वाला नंबर है उसका मान 1 आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा फिर 1, तो फिर इसका रिजल्ट आ गया x + 1/x, और जिसका मान आपको कितना है -1, और यही आपका क्या